हेलो यूट्यूब फैमिली, सत श्री अकाल, की हाल है? आज है 23 मई 2023, टाइम भी हो रहा है 9:30। तो आज लगा है बहुत ज्यादा जाम, काफी पेड़ वगैरह भी गिरे हुए हैं आगे, और जेसीबी अभी साफ कर रही है, तो मैं भी आपको दिखाता हूँ। ये भी अच्छा है कि जेसीबी भी टाइम पे यहाँ पहुंच गई है और पूरा साफ कर रही है। देखो, अब आप अंदाजा लगा लो कि कितनी तेज हवा चली होगी, कितनी तेज तूफान आया होगा कि ये इतने बड़े बड़े पेड़, लिपस्टिक का पेड़ इतना बड़ा है जो गिर गया यहाँ पर। ये अभी भाई जेसीबी से हटा रहे हैं पूरे पेड़ वगैरह, साइड कर रहे हैं, क्योंकि जो प्रेमनगर पंडितवाड़ी से बल्लूपुर किशनगर घंटाघर की तरफ जाते हैं वो भी वहां पे ट्रैफिक बंद है, और ये प्रेमनगर की तरफ जाने वाला भी ट्रैफिक बंद है पूरा। तो वो कर रहा है साफ। और आईए में FRI के पास इतनी जबरदस्त, इतनी तेज हवा चली, इतनी तेज कि आप देखो कितने बड़े बड़े पेड़ नीचे गिर चुके हैं, और प्रेमनगर के लिए रास्ता हो गया ब्लॉक, रास्ता पूरा बंद हो गया। देखो कितने बड़े बड़े पेड़ गिरे हुए हैं। तो अभी सारे लोग यहाँ से अपनी कार बैक करके जा रहे हैं वापस। कुछ लोग पंडितवाड़ी की साइड से जाएंगे, कुछ कहाँ से जाएंगे, कुछ कहाँ से जाएंगे, कुछ नहीं पता। तो अभी हम भी अपनी गाड़ी बैक करते हैं, मैं आपको एक बार थोड़ा सा आगे जाके मैं दिखा देता हूँ। तो ये है कुछ यहाँ का, देखो कितने जबरदस्त पेड़ गिरा है, ये लिपस्टिक के पेड़ है जो गिरे हैं इतने बड़े बड़े, वो देखो। अभी हम पंडितवाड़ी से होके आए हैं, तो यहाँ पर भी बहुत सारे पेड़ गिरे हैं प्रेमनगर की साइड में। तो मेरे को लग भी रहा है कि प्रेमनगर पूरा जाम होगा आगे भी, लग क्या रहा है बल्कि दिख ही रहा है कि प्रेमनगर पूरा जाम है। काश एक ये जो दून प्रेजेंसी स्कूल है यहाँ तक हमें रास्ता मिल जाए तो हम अपनी गाड़ी अंदर से निकाल लेंगे। आज तो पता नहीं ऐसा क्या हो गया कि इतना ज्यादा मौसम खराब है, बहुत ज्यादा मौसम खराब हो रखा है आज, पता नहीं एकदम से क्या हो गया। मतलब मैं आ रहा हूँ लगभग, आप लगा लो बल्लूपुर साइड से आ रहा हूँ, FRI में भी पेड़ गिरे हुए हैं, लगभग 6-7 पेड़ गिरे हुए हैं, और यहाँ प्रेमनगर पहुंचा हूँ पंडितवाड़ी की साइड से, तो यहाँ पर भी पेड़ वगैरह गिरे हुए हैं काफी, रास्ता पूरा जाम है, वो देखो पूरा जाम है रास्ता। आज तो भाई बुरे फंसे, सच में यार बुरे फंसे। 7 बजे के निकले हुए हैं और टाइम हो रहा है अभी 10 बजने वाले हैं, 3 घंटे से हम बाहर हैं। अभी 3 घंटे के जाना हो ना चंडीगढ़, तो हम 3 घंटे में चंडीगढ़ पहुंचे हैं, और बताओ 3 घंटे से हम बाहर है तो यहीं अटके हुए हैं। पूरा जाम लगा पड़ा है, हल्का हल्का ट्रैफिक है, ट्रैफिक हल्का हल्का नहीं, ट्रैफिक तो बहुत ज्यादा है, मगर मूविंग ट्रैफिक है, थोड़ा 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 धीरे धीरे चल रहा है। डेफिनेटली आगे कोई पेड़ पाड़ वगैरह कुछ गिरा है, देखो यहाँ पर भी गिरे हुए पेड़, दिखाता हूँ कोई, ये देखो कितना बुरा हाल है। अब आप अंदाजा लगा लो कि कितनी तेज हवा आई होगी। आप वहाँ पे देख रहे हो कि वहाँ पे ब्लू लाइट ब्लिंक कर रही है, इसमें पता नहीं लगेगा, तो एम्बुलेंस की कोई लाइट है, लग रहा है कि कुछ हुआ है आगे। तो ये है कुछ यहाँ का हाल, देखो कितना बुरा हाल है, अरे पेड़ टूट गिर पड़े हैं, देखो कितना बुरा हाल है, कितनी तबाही मचाई है आज तूफान ने, कितना बहुत ज्यादा बुरा हाल हो रखा। मैं हाई बीम करता हूँ शायद कुछ पता लगे, बहुत ज्यादा आगे बिजली की तारें भी गिरी हुई है सड़क में, ये दिख रहे हो आप, ये शायद आपको दिख रही होंगी तार, ये देखो तार टेढ़ी हो रखी है नीचे की तरफ आ रही है, ये देखो ये गिरा हुआ बिजली का तारे, ये देखो ये गिरी हुई है बिजली की तारे, ये है खंभा और ये सारी तारे नीचे आ रखी है, बहुत ज्यादा डेंजरस है। ये देखो ये गिरी हुई तारे, ये पूरी सड़क तक आ रखी है नीचे तक, और ट्रक देखो कैसे होके जा रहा है, बहुत बुरा हाल है, बहुत ज्यादा डेंजरस है, जैसे बिजली की तारे तक भी नीचे गिरी हुई है, इतनी ज्यादा तेज आंधी हवा बारिश बहुत तेज आई थी, पूरा बल्लूपुर से लेकर तक पूरा प्रेमनगर तक जाम लगा हुआ है, बहुत जबरदस्त जाम है, रास्ता सब ब्लॉक हो चुका है। अगर हम सोचें कि प्रेमनगर के अंदर से कॉलोनी से अगर हम जाएं वो भी जाम है। भाई की हिम्मत है जो तारे पकड़ के खड़ा है वहां पर साइड करने के लिए, और कुछ पुलिस कर्मी लगे यहाँ पर, पेड़ वगैरह कुछ साइड हो जाए तो ताकि गाड़ी इजिली निकल जाए। वो देखो भाई की कितनी हिम्मत है, पूरी तारे पकड़ी हुई है उसने, बिजली की तारे पकड़ी हुई है, पता नहीं कब क्या हो जाए। ये देखो गाड़ियां पूरी जाम लगी पड़ी है, पूरी जाम, बहुत जबरदस्त जाम है। चलो कोई नहीं, अपन लोग तो यहाँ से लेफ्ट टर्न कर देंगे। ये एम्बुलेंस कहाँ निकलेगी बेचारी इतनी भीड़ में, बताओ। एक भाई ने तो पेड़ के ऊपर ही गाड़ी चढ़ा दी यहाँ पर, किसी की दुकान का खोखा ही गिरी है नीचे। The next day, later. तो आपने तो रात का सारा सीन देख लिया, तो मैंने कहा चलो सोचा कि आप लोगों को सुबह भी दिखा दे कैसा सीन है,
कितना कुछ नुकसान हो चुका है, कितनी तारें टूट फूट चुकी हैं। तो खैर बिजली वाले तो ये देखो आ गए हैं, अपना इलेक्ट्रिशियन का काम कर रहे हैं, तारे वगैरह डाल रहे हैं, ठीक कर रहे हैं सब कुछ। लाइट तो कल रात से ही बंद है, कल रात से ही नहीं है, मतलब बीच बीच में आ रही है जा रही है, आ रही है जा रही है लाइट। तो लाइट का ही बड़ा बुरा हाल है। ये देखो बहुत ज़्यादा तेज़ हवा आई थी कल रात को, कितना नुकसान हो चुका है आप देखते रहो ये सब। ये FRI का सीन है जहाँ हम रात को गाड़ी बैक कर रहे थे, JCB आई थी, ये वहाँ का सीन है। सेफली हम अपने घर आ चुके हैं, बहुत बुरा हाल था, बहुत ज़्यादा पेड़ गिरे हुए थे, और जब हम ट्रेन की तरफ पहुँचे तो बिजली की तारें भी नीचे गिरी हुई थी। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, अपना ध्यान रखना।